पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले चुका है। पटना सहित 20 से अधिक जिलों के अधिकांश स्थानों पर सोमवार से दो दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम के बदलाव का असर पूरे बिहार में दिखेगा। वहीं तापमान में अधिक बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ साथ अन्य जिलों के अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी। मौसम में होने वाले बदलाव का असर पूरे बिहार पर रहेगा और तापमान में खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं रविवार को राज्य के विभिन्न स्थानों में हल्की और तेज बारिश होगी। भागलपुर जिले में शनिवार को 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा। हवा में अधिकतम नमी की मात्रा 86% रही। 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वा हवा चलती रही। बीएयू सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 28 अगस्त तक जिले में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस अवधि में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर पूर्व दिशा से हवा चल सकती है। इधर बारिश की वजह से नदियों के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती रही है। कई जिलों में हालात बिगड़ने भी लगे हैं। बाढ़ की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। सूबे की कई नदियों में उफान है। भागलपुर में गंगा लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। बाढ़ और कटाव की समस्या कई इलाकों में हो चुकी है, जबकि डूबने की घटना भी अब बढ़ चुकी है। कई लोगों की हादसे में जान गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के 20 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले दो दिनों तक बिहार का मौसम अच्छा रहेगा और कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।